कह रही हूँ कि सुनो कॉल भी ना करा। फातिमा व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन, तुम्हारी तबीयत खराब है, उसका हाथ खराब है। छोड़ो यार मेरी बात, छोड़ो यार मुझे उठ के पानी पिला। मेरा हाथ पड़ोड़ा है यार, इतनी जोर का आगे इतनी दर्द हो रही है। तेरा रोज टैग रोज लड़ाई में पड़ेगा। Assalamualaikum everyone, this is me Hira Faisal and welcome to my YouTube channel. और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। एंड गेस व्हाट, आज की वीडियो होने वाली है एक प्रैंक वीडियो। आज मैं प्रैंक करने वाली हूँ फाइटिंग प्रैंक विद मॉमी, मतलब अम्मा के साथ फाइटिंग प्रैंक। देखते हैं फाइट किसके साथ करनी है और मम्मा का रिएक्शन देखना है कि वो उस पर क्या रिएक्ट करती हैं। ये सेम रिएक्शन मैं पहले कर चुकी हूँ पापा के साथ, अब मामा के साथ करते हैं, लेकिन सिस्टर डिफरेंट पकड़ते हैं और थोड़ा टॉपिक डिफरेंट पकड़ते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, ब्रेकफास्ट करते हैं, नीचे देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और उसी के लिहाज से सिनेरियो जनरेट करते हैं कि कौन मेरा पार्टनर बनेगा इस क्राइम में जो कि मैं अम्मा के साथ करने वाली हूँ। सो देखते हैं, अभी नीचे चलते हैं। सो लेट्स गो। ओके गाइस, तो ये आई है मैडम अभी स्कूल से। अभी नहीं आई हूँ, थोड़ी देर पहले की आई हूँ। आप नीचे अब आई, मुझे लगा तुम सोने लगी हो अभी। नहीं, बट ये पता चला मैडम स्कूल से है ना, मुझे तुम्हारे काम में हेल्प चाहिए। गेस करो क्या हो सकती है। हेल्प ये चाहिए कि हमने करना है मामा के साथ प्रैंक, फाइटिंग प्रैंक, लेकिन मैंने राबिया के साथ लड़ना है और तुमने इसमें मेरी हेल्प करनी है। आपका बेस्ट डन, आपका साथ दूंगी। डन। कैमरा छुपा के रखना, थोड़ी सी वीडियो अच्छी सी बनाना, सब चीजें ठीक है, और मामा का रिएक्शन देखना इस टाइम। डन करो मुझे भी मेरी। ठीक है। ओके गाइस, और यहाँ पे मामा ने ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हैं और यहाँ पे पता नहीं क्या बना रही है मम्मी, ये मुझे भी खाना है और कॉल पे बातें कर रही है पता नहीं किससे, और मुझे लिफ्ट नहीं करा रही। कॉल भी ना करा मैं कह रही हूँ मैं, किसी को कॉल भी ना करा। चल देख अब मामा ही अच्छा है, मेरे हवाले छोड़ दी, मैं सिर्फ व्लॉग बनाने आई थी, ये तो प्रैंक के साथ कर गई है मम्मा यार, सब कुछ बनता छोड़ गई है। आप तू देख प्रैंक पे प्रैंक हो गया मेरे साथ। तो भाई जी, मामा छोड़ के गई है मेरे हवाले और सारा फातिमा ने डाला प्लेट में और लेके निकल रही है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल और बना ना यार, घर पे कितने पड़े हुए। और आज तो मैं अपना 15 एक्टिव कर लिया, मैंने देख लिया आज मैं न्यू मोबाइल में ब्लॉग बना रही हूँ, तो ये ब्लॉग थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा होना चाहिए। फातिमा इसी खुशी में ट्रीट। मैंने नहीं खाया अभी, सारा ले गई है और रोटी इधर ही पड़ी रह गई। मामा इस पे ऑयल तो लगा दे यार। वो क्या रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे और फ्राई करने पड़ने हैं। चोर चोर देखो यम्मी यम्मी चोर, ये चोर मैं पताशी चोर हूँ। मेरे मामा रो रहे हैं, हाय अल्लाह हमने क्या, हमने किसको जन्म दे दिया। गजब बेइज्जती है। फातिमा व्हाट इज दिस कॉम्बिनेशन, यहाँ पे बैठ के खाना खाया जा रहा है और यहाँ पे कोई पता नहीं कौन से जमाने की मूवी लगाई हुई है। डिशुम अपने जमाने की फातिमा ने अपने जमाने की मूवी लगाई, और जब देखो इस लड़की को एक खाने के पास मिलेगी। गाइस, तो मामा जो है वो बाहर आराम से सुकून से बैठी हुई है और मैंने प्रैंक करना है, और जैनब को मैंने अपना पार्टनर इन क्राइम बनाया था, लेकिन इसकी ना तबीयत खराब हो गई है। जैनब व्हाट इज दिस बिहेवियर, मुझे भी बता दो। तुम्हारी तबीयत खराब है, उसका हाथ खराब है, जिसने वीडियो बनानी है उसकी तबीयत खराब होगी, जिसके साथ प्रैंक करना है उसका हाथ खराब है, और फिर मुझे चुतियाँ पढ़नी है कि हीरा तो ऐसी वीडियोस बनाती क्यों है। मम्मा ने कहा हीरा तो प्रैंक किया तो किया। तो भाई मेरी बहन है तो अभी यहाँ पे मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए ना भरपूर तरीके से रेडी है। अभी जाते हैं मामा के पास, देखते हैं वो क्या करिए, ऐसे उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ऐसे लगे कि मैं नॉर्मली ब्लॉग बना रही हूँ, हल्का सा शुगर लगाते हैं उनके साथ, और फिर अंदर आते हैं और फिर करते हैं रियल वाला प्रैंक। तो भाई यहाँ पे बैठी हुई है मेरी वन एंड ओनली मॉमी। मॉमी पहले ये बताएं कि आपकी दोनों बेटियों की तबीयत खराब है, मेरी भी तबीयत खराब है, तो कोई खातिर तवाज़ो नहीं है, करके आई हूँ उसे मेडिसिन देके आई हूँ जैनब। और आपकी दूसरी बेटी का जो हाथ है वो ऑलमोस्ट हिलने से कासिर है, तो उसको भी पट्टी करवाई हुई है। अच्छा चले ठीक है, अगर आप कहती हैं तो थोड़ी देर मैं उनके पास जाके बैठ जाऊं ताकि उनकी थोड़ी तबादारी हो जाए, और यू नो खिदमत करो सर दबाओ। और बड़े सूट शूट निकाले हुए, आपने कहाँ जाने का इरादा है। स्त्री अच्छा समेट रही हूँ, देखो सही है समेट रही है मम्मा। तो भाई चलते हैं अपनी बहनों के पास, उनकी तेमादारी करते हैं, यही होता है ना शायद। अरे कहना क्या चाहते हो, उनकी तेमादारी करते हैं और ख्याल रखते मेरा फोन देना भाई। सो लेट्स गो। मामा आपका फोन मुझे नहीं पता किधर। तो भाई यहाँ पे दो एक्टर्स हैं ठीक है, इनको मैंने बिल्कुल पैसे नहीं दिए फिर भी ये मेरे साथ एक्टिंग में मतलब है। अब हम लोग कोई ऐसी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे मामा को कैमरा नजर ना आए और इसको हम छुपा के रखते हैं। किसी को नहीं दिखता कहाँ पे, इधर यहाँ पे करके। चलो अभी यहाँ पे सेट करते हैं, इनके बीच में घुस के बैठते हैं और मैं ये प्रिटेंड करूँगी कि मैं राबिया का ख्याल रखने आई हूँ, लेकिन राबिया मेरी बात नहीं मान रही है और इसने ना फजूल में चिल्लाना चीखना है। सारी गेम तेरे पे है, इतना इरिटेट होना है मुझसे कि मामा आके या तो तुम्हारे सर पे जूता लगाए। उसके लिए एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, तो रियल में ही होगा।
नहीं जी ऐसी नहीं, तुम कौन से ख्यालों में खोई भी हो, तुम्हें क्या हुआ? ये बैठी हुई तो अब कोई कैमरा हम सेट कर, अब यहाँ पे हम फोन सेट करके रखते हैं और देखते हैं कि फुल एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाय गाइस, क्या मैं आ रही हूँ, ये मुझे थोड़ा इसको नीचे रखना पड़ेगा। तो भाई फाइनली मुझे ना एक्सपोर्ट मिल गया ये वाला, मैं ना जाके चेक करती हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। चलो ए मोटी आ गयो, वी आर रेडी। ये पहले मैं सो रही हूँ, बस चेक करते हैं, ये हमारी जगह होगी। मैं अभी सिर्फ ना ट्रायल देख रही हूँ कि हम, चलो मैं सो जाती, अभी नहीं लड़ना। अच्छा सो जाती होंगी बच्ची। अच्छा क्या करना है अभी हम लोग को, ये वाला एरिया में एंगल चेक कर रही हूँ, देखना सही आ रहे हैं। फिर हम लोग ऊंची ऊंची लड़ना है, किसी भी बात कोई भी बात उस तरह कर लो ना यार। राधा पानी पिलाओ हीरा पी, लेकिन आपने मुझे कहा था कि उनकी स्टोरी लगा दो तो, लेकिन आपने कहा था कि लगा दो स्टोरी तो, लेकिन आप इस तरह से तो मत करो ना यार। आप बाजू क्यों बढ़ोड़ रही हो मेरी यार। रबे मैंने तुम क्या बदतमीजी किया तुम्हारे साथ? हां यार ये तो गलत बात है वैसे। मैंने तुम्हें कुछ कहा है? कितनी बदतमीजी है। झूठा बोलो फिजूल में। हमेशा मैं आपके सारे काम करती हूँ यार। मुझे पानी पिला दो, तुम्हें पानी पिलाने का कह रही हूँ। आपने कल अगर मुझे लेके गई थी, आपने मुझे कहा था तुम्हारी शॉपिंग करवाऊंगी। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, पानी पिला सिर्फ पानी पिलाने का कह रही हूँ तुम्हें। क्या हुआ क्यों मार रही हो? मम्मा मैंने इसे सिर्फ पानी पिलाने का कहा, एक्टिंग करना शुरू कर दिया इसने। तो उसको पी लो ना, लेटी हुई है तो क्या हाथ खराब है, टांगे तो नहीं ना खराब? तुम पागल हो? मैंने तुम्हें क्या कहा रबे? मम्मा इतना क्यों चढ़ रही है मेरे पे, क्या हो गया? मैंने तुम्हें कुछ कहा है? तुम उठ के मुझे पानी पिलाओ, चलो एक्टिंग बाद में करना, उतरो। मैं पिला देती हूं पानी। मुझे उठ के पानी पिलाओ। हाथ बढ़ो रहे हैं, इतनी जोर का आगे इतनी दर्द हो रही है। मम्मा इतनी भी बात नहीं, मैं इतनी पागल हूँ कि मैं इसका हाथ मरोड़ूंगी सिर्फ पानी पिलाने के लिए। पानी खुद पी लो यार, अब खुद पी लो यार। जब भी आती इसके मैंने थोड़ी देर पहले सर दबाया, आप पानी पिलाने का कहते लग रहे हो। झूठा बोलो, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है। आप लोग इधर जा रही हो, इधर आओ, छोड़ दो मुझे यहाँ पे। इसने मेरे से बदतमीजी की। मुझे रियल में थप्पड़ मारा है यार। मैं रियल में मारूंगी क्या मजाक में? मैं जूता भी मार दूंगी पकड़ के। रबे पानी पिलाओ जल्दी से। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि वो पानी ना हो गया, क्या हो गया? पानी कोई और भी पिला सकता है। मेरी और दर्द हो रही है यार यहाँ पे। खबर दर्द से आती है। मैं झूठ बोल रही, मैंने कुछ भी नहीं किया। कितनी हो गया इसको भी मारे तुमने, उसको पहले कुछ इसको भी मारे, उसको तो दर्द कर रहा है। नहीं इसने मुझे क्यों मारा? मम्मा मुझे इसने क्यों मारा? थप्पड़ से डर नहीं लगता था। ₹200 दे और ₹50 कट ओवर एक्टिंग के। अब तो रियल में भी लड़ने तो मम्मा ने नहीं आना। शेर आ गया। मम्मा प्रैंक छोड़ो, मम्मा ये लड़ लो आपसे। अब रियल मत करो प्लीज, बदतमीजी मत करो। मम्मा जी इधर आना प्लीज, एक मिनट मम्मा, ये एक मिनट आना, सीरियस बात है यार। छोड़ो यार मेरी बात तो छोड़ो यार, मजाक अलग बता रहे की बाल क्यों पकड़े है? मैंने कब पकड़े है? मम्मा जी एक मिनट आना इधर यार, लग रहा है मम्मा तो मम्मा मैं सीरियस हूँ यार, ये बदतमीजी कर रही है आपने। अब मैं इसे अगर रियल में भी थप्पड़ लगाऊंगी ना मम्मा, तुमने मेरे बालों की बोली मम्मा, आपकी कसम मारा है इसने।
पे थप्पड़ मार रहा है। मुझे लगा कि शायद इसके अंदर वो है तो मैं लगेगा नहीं लगा मैं मुझे तो इसीलिए प्रैंक्स ना कीजिए घर पर वरना आपकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो गाइस हमारा जो प्रैंक था वो थोड़ी तौर पर फुली नहीं लेकिन थोड़ा सा सक्सेसफुल हो गया और चलते हैं ऊपर देखते हैं कि क्या बना है। सो यहाँ पे बैठी है मेरी मम्मी और गुस्से में है मुझसे नाराज़ हैं कि हिरा ने फिर से फाइटिंग प्रैंक की है। और मम्मा एक बार बता दूँ आपको अपने बहुत जोर से मारा इधर भी रियल में ताकि आइंदा तू प्रैंक ना करे। मैं आइंदा फाइटिंग प्रैंक ना करूँ लेकिन मम्मा मुझे लगता है कि आई एम सॉरी मैं बस ये कहूँगा एक बात बताऊँ लड़ाई का प्रैंक जब देखो लड़ाई का प्रैंक तुझे कोई और प्रैंक नहीं आता। आता तो है लड़ाई का प्रैंक उसके अलावा भी आता है लेकिन मुझे था कि मेरा रावक सा उसकी बाजू ख़राब है ना तो उसके साथ थोड़ा ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा कि आप समझेंगे कि मैं लड़ रही हूँ। लेकिन प्रॉमिस मैंने उसको कुछ नहीं मारा ना कुछ किया है वो सिर्फ जान के बोल रही थी प्रैंक के लिए। सॉरी जान के भी बोलो माँ के दिल को तो कुछ होता है ना इसलिए ऐसे नहीं कर। लेकिन एक बात पूछना चाहूँगी इस पूरी फाइटिंग में सारी चुपड़े मुझे ही क्यों मुझे ही क्यों नहीं मैं पूछना चाहती हूँ ही तुमने की है मैंने कैसे की है तुम्हें कह रहे पानी पिलाओ पानी जब तुम्हें कह रहे पानी मैं पिला देती तो मुझे इस बात पे गुस्सा आया फिर नहीं अब माँ से मैं पानी थोड़ी पीऊंगी आपको तो मैं पानी पिलाऊंगी ना तो वैसे तो जरा ऐवी लड़ाई करे थे सो कोई नहीं होता है चलता है। ओके गाइस सो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर प्लस डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद अनदर वीडियो।